देश में बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की जघन्य घटनाएं लगातार घट रही हैं, राजधानी में भी घट रही है, कुछ दिन पहले लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ इस तरह की घटना हुई, फिर परिवार में दो बच्चियों के साथ घटना हुई, और लगातार इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो भी अपराधी हैं उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है, उनको लगता है कि वो कुछ भी कर ले कुछ नहीं होता है, इस तरह की धारणा उनके मन में आ गई थी। और इस तरह की जब सजा जब लोगों को मिलती है तो कम से कम लोग डरेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो मुझे लगता है कि देखिए न्यायालय का जो फैसला है उसके खिलाफ तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, फैसला जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी अपराधी हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उनको कम से कम एक बार सोचना पड़ेगा इसके बाद कि इस तरह की घटना घटने से उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए वर्तमान सरकार सिर्फ हवाई सरकार है, विज्ञापन की सरकार है, ये करती कुछ है और मतलब बोलती कुछ और है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने से ही नहीं होता है, सब कुछ इसके लिए काम करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है बदलाव और जनता इस बात को समझ गई है। हम लोगों की सरकार आ रही है, हम लोग इस पर पूरा ध्यान रखेंगे कि पहले महिलाओं को भी सुरक्षित वातावरण दें ताकि वो वास्तव में काम कर सके, पढ़ लिख सके। ऐसे भी देखिए हज़ारों स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, बेटियों को अगर शिक्षित करने की बात हम करते हैं और ऊपर से स्कूल बंद करते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना है, उसके स्तर को भी ठीक करना है, स्कूलों की संख्या बढ़ानी है, कॉलेज की संख्या बढ़ानी है, लड़कियों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि झारखंड में जो माहौल है जंगल पहाड़ नदी झरने चारों तरफ है, तो ऐसे में ज़्यादा दूर अगर स्कूल कॉलेज हो तो लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रह पाती हैं उसमें। तो एक तो सुरक्षित वातावरण देना होगा, प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा, लोगों के मन में जो भी अपराधी हैं उनके मन में डर कायम करना पड़ेगा और सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देने आई थी, राजद गठबंधन में है हम लोगों के साथ, और उन्होंने राजद ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, हम लोग को सहयोग दिया, इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और बस आशीर्वाद चाहती हूँ कि इस बार जनता की सेवा का मौका मिले, जनता ने क्या जनादेश दिया है ये तो पता चलेगा 23 तारीख को ही, लेकिन जो भी जनता का फैसला होगा, लेकिन समाज सेवा तो जारी रहेगा, हम लोग मिलकर हमेशा जनता के काम आएंगे। एग्जिट पोल पे क्या बात की थी? एग्जिट पोल तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि गठबंधन की सरकार बन रही है, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बन रही है, कांग्रेस और राजद मिलकर अच्छी स्थिति में है झारखंड में, और हम लोग काफ़ी सीट निकाल रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी। 23 तारीख को मैंने आप 23 तारीख को तो रिजल्ट लिया है। लालू जी से क्या कुछ बातें हुई मैम? उनके सेहत को लेकर बात हुई, और इसके अलावा उन्होंने जो भी हम लोगों के लिए मदद की राजद के अध्यक्ष होने के नाते, उसके लिए मैंने आभार व्यक्त किया पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। एग्जिट पोल के नतीजों से लालू जी कितने खुश नजर आ रहे थे? डॉक्टर अपने रिपोर्ट में बताए, डॉक्टर पिछले 2 महीने से कुछ बता नहीं रहे, तबीयत देखिए तबीयत तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ऐसा लगा मुझे देखकर। मैडम एग्जिट पोल के बाद लालू जी का क्या प्रतिक्रिया था, लालू जी क्या बोल रहे? एग्जिट पोल पर उस तरह से बात नहीं हुई, लेकिन वो भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोगों की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है। ये तो पहले आदरणीय लालू जी ने कहा था भाजपा के को लेकर, लगातार कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं इस देश में कि कहीं ना कहीं इस तरह का वातावरण बन रहा है, अमन चैन खत्म हो रहा है, और अभी जो पूरा देश चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार को आप दोष दे सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जनता नाखुश है, इस तरह का वातावरण देश में पैदा हो रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता निश्चित रूप से बदलाव लाए, और सबसे पहले तो अमन चैन का माहौल हमारे देश में बना।